बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.16 सीखेंगे। 1.16 में क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, देखिए 1.15 का ही एक तरह से इसने दिया हुआ है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ साइज 1.5 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको उसने पहले दे दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 15 का ही पार्ट, समझिए आप, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखी है 3×10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। यानी आई कैप का मतलब हुआ कि एक्स डायरेक्शन में ये मूवमेंट इसका हो रहा है। और दूसरी चीज जो ये कह रहा है कि एक क्यूब है 20 सेंटीमीटर का, जिसका जो फेस है वो पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेसेस है, यानी जो हमारी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में उसका जो है क्यूब का जो क्यूब है वो उसी तरफ फेस किए हुए है। तो आप ये समझिए कि एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब का जो ओरिएंटेशन है वो हमारा, आप ऐसे समझिए, ठीक है, इस तरह का क्यूब है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका फेस है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना फ्लक्स इससे पास होगा। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आप एक क्यूब ले लें, सपोज ये क्यूब है, हालांकि ये क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये रखा हुआ है, जितना फ्लक्स इससे इंटर करेगा उतना ही फ्लक्स इसके बाहर निकलेगा। यानी नंबर ऑफ जो लाइंस जिससे जिसमें इसमें एक फेस से इंटर होंगी, अगले फेस से उतनी नंबर ऑफ लाइंस लीव करेंगी। इसका मतलब ये है कि नेट फ्लक्स जो इसने पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स, देखिए नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, नेट फ्लक्स जो आपका, जैसे नंबर ऑफ लाइन 10 इस पे जो है पास हो रही है, तो नंबर ऑफ 10 जो है लाइंस इससे लीव भी हो रही है, इसका मतलब जो नेट फ्लक्स है वो जीरो, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चार्ज रखा नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में केवल प्लेस है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास होगा इसके एक फेस से, उसके अपोजिट फेस से उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा। तो अंदर होने वाला को प्लस मान ले और बाहर होने वाले को माइनस मान ले, तो मैंने एग्जांपल दिया है। तो नेट फ्लक्स जो है आपका जीरो होगा। तो इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें व्हाट इज द नेट फ्लक्स, हाँ तो लिखना पड़ेगा, सिंस नंबर ऑफ लाइन्स नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग फ्रॉम वन फेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स लीविंग फ्रॉम अदर फेस फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो जो इसमें क्यूब दिया है 20 सेंटीमीटर का क्यूब, फेस ऑफ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ लाइन जितनी एक फेस से पास होंगी उतना ही जो है दूसरे फेस से बाहर हो जाएंगे, तो नेट उसमें फ्लक्स कुछ भी नहीं आएगा और नेट फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। गुड बाय।